देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा के चुनाव देखे हैं, 22 सरकारें देखी हैं, 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। जो कोई कहे कि इंडिया अलायंस क्या है, तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं, जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंटल अलायंस है और दूसरी ओर राहुल जी के नेतृत्व में डायनेस्टिक अलायंस है। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए हैं। 2047 का भारत कैसा होगा, इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे और कुछ ही दिनों में देश की जनता ये निर्णय करने वाली है कि आने वाले 5 साल इस देश के शासन की धुरा किस पार्टी के हाथ में होगी, किस व्यक्ति के हाथ में होगी। मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। साथियों, 75 साल में इस देश ने 17 लोकसभा के चुनाव देखे हैं, 22 सरकारें देखी हैं, 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। देश ने जितनी भी सरकारें आई अपने अपने समय में, हर सरकार ने समयानुकूल विकास करने का प्रयास किया है। मगर आज मैं कोई कंफ्यूजन के बगैर कह सकता हूं कि समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। जो कोई कहे कि इंडिया अलायंस क्या है, तो मैं इसकी एक ही व्याख्या करता हूं, 7 परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन इंडिया अलायंस है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं स्थापित कर सकते वो देश की डेमोक्रेसी की रक्षा नहीं कर सकते। ये देश की जनता को, आपकी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, आपकी पार्टियां लोकतांत्रिक पार्टियां नहीं है, आप देश के लोकतंत्र का रक्षा नहीं कर सकते। एक और, मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंटल अलायंस है और दूसरी ओर राहुल जी के नेतृत्व में डायनेस्टिक अलायंस है। इनके राजनीति में उद्देश्य क्या है? मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना, 2047 तक का लक्ष्य रखा, आत्मनिर्भर भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए हैं। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। मित्रों, इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है, 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी। 4-4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है, 4-4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई?
देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता, ना जी वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हश्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हश्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े हैं। तेजस्विता का, परफॉर्मेंस का, विचार का, परिश्रम का और दृष्टि का वहां कोई महत्व नहीं है, वहां केवल और केवल आप कहां जन्मे इसका महत्व है।